इधर तेजस्वी के बयान पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जेल जाने के मुहाने पर हैं। वहीं नीतीश कुमार के बदले अंदाज पर कहा कि उनका भी जल्द ही एंड ओवर होने वाला है। इसका जैसा जाकी रही भावना जैसी तो देखी जैसी जेल जाने वाला है, जेल के मुहाने पर है, बोल रहा है, उनके पारिवारिक मर्यादा ही है, जो जैसा संस्कार परिवार से पाता है वैसा ही बोलता है, इसलिए उन पर ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। समय आने दीजिए, वो आपको बेलूर जेल में मिलेंगे। नीतीश कुमार भी आज बदले बदले थे, सरकार पर ही निशाना साधा करा रहे थे। नीतीश कुमार का भी इंडोक्टी ओवर हो गया। पटना में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की आवाज पर छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हंगामा किया। सुनील सिंह के समर्थकों ने सीबीआई की टीम की गाड़ी को रोका। सुनील सिंह की आवाज से बाहर निकलते वक्त लोगों ने अधिकारियों को घेर लिया, जमकर नारेबाजी की। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संजय कुमार। जाहिर सी बात है, वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जो कार्रवाई हो रही है। हालांकि ये सीधे तौर पर काम में हस्तक्षेप है, जो काम कर रहे हैं सीबीआई के अधिकारी। और यहाँ पर देखिए क्यों नाराज है लोग, इन्हीं से पूछ लेते हैं। क्यों है, क्यों नाराज है भाई आप लोग? कुछ मिल नहीं रहा है तो गए हैं पूछने के लिए अपने डैडी जी से कि अब क्या करना है। आप तो गए किसान के बेटा के घर में, क्या मिलेगा? खाद नहीं तो किसान से लगे हुए मुद्दे, नहीं तो सहकारिता के किताब। अब तो कुछ मिल नहीं रहा है झुंझुना बाबू को। अभिजीत सिंह, अभिजीत सिंह है। और लगातार देखिए अभी भी गेट के पास काफी संख्या में लोग खड़े हैं और जो सुरक्षा कर्मी है वो अंदर गए हैं। गेट को फिलहाल बंद किया जा रहा है और डिस्टर्ब कर रहे हैं ये जो अधिकारी हैं उनको लगातार। और क्यों नाराजगी है इन्हीं से बात करते हैं। क्यों नाराजगी है, गाड़ी क्यों नहीं जाना चाहिए? अरे हम लोगों का कम से कम इतना तो हम लोगों का फर्ज बनता है या उनका भी फर्ज बनता है कि जवाब कम से कम दे कि आखिर उनको अंदर मिला क्या। ये जो रोज रोज की हम लोगों के साथ परेशानी हम लोग झेल रहे हैं या हमारे नेता झेल रहे हैं, रोज सीबीआई, रोज ईडी, रोज सीबीआई, रोज ईडी, आखिर इस सीबीआई ईडी को मिलता क्या? जवाब देना तो बनता है ना। मेरा नाम पूजा यादव हूँ। पूजा यादव है और ये जवाब चाहती है। हालांकि इनको ये पता नहीं है कि सीबीआई के सभी अधिकारी बोलने के लिए अधिकृत नहीं होते हैं। ये सीधे तौर पर काम में डिस्टर्बेंस है और सीबीआई को अपना काम करने देना चाहिए, क्योंकि सीबीआई को पॉलिटिकल इश्यू से कुछ लेना देना नहीं है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।